नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नए मराठी शो, नए मराठी सीरियल की, बॉस माजी लाडाची, जो कि इसी महीने से स्टार्ट हुआ है ये सीरियल। और इस सीरियल में आखिर बात करेंगे लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री लिमाए की कुछ अनटोल्ड स्टोरी और अननोन फैक्ट। साथ ही साथ इस सीरियल के लीड एक्टर आयुष संजीव की भी जीवन की कुछ रियलिटी और रियल स्टोरी पे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आपको बता देगा इसकी सोनी मराठी पे बॉस माजी लाडाची ये सीरियल स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक रोमांस ड्रामा सीरियल है। स्ट्रॉबेरी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस सीरियल की, तो 28 फरवरी 2022 से रात को 8:30 बजे स्टार्ट किया गया है ये सीरियल, जिसमें आपको ये दोनों कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं भाग्यश्री लिमाया की, तो आखिर इनकी क्या ट्रू स्टोरी है और क्या अननोन फैक्ट है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। भाग्यश्री लिमाया एक इंडियन टेलीविज़न एक्ट्रेस है, जिन्होंने कुछ मराठी मूवीज में भी काम किया है और मराठी सीरियल में भी। इन्होंने अपना सीरियल और मूवीज़ का करियर जो है 2017 से स्टार्ट कर दिया था, और सबसे पहला शो इनका गाडचे एंड सन्स में ये दिखने को मिली थी आपको 2017 से 2019 तक। और साथ ही साथ ये सत्यमेव जयते 2 में भी दिख चुकी हैं। वहीं पे मराठी मूवी मेडली, जो कि इनकी लाइफ की पहली मूवी रही थी, भाग्यश्री को वर्ल्ड रिनॉर्ड महाराष्ट्र टाइम्स की क्वीन क्राउन का अवार्ड भी दिया गया है 2014 में। अगर हम बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो ये एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, पुणे से, लेकिन अब फिलहाल इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में और एक्ट्रेस और मॉडल बनने का अपना जो सपना है उसको साकार करने के तौर पे बढ़ चुकी हैं। शोलापुर महाराष्ट्र जो है वो इनका बर्थ प्लेस है। वहीं पे गाइस अब हम बात करें इनके लीड एक्टर इस सीरियल के आयुष संजीव की जिंदगी और कुछ अनटोल्ड स्टोरी के बारे में, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, ये एक कोरियोग्राफर और डांसर हैं, जिनको काफ़ी सारी गुजराती मूवीज और हिंदी सिनेमा में भी इनको देखा गया है। एज एन इन्होंने डेब्यू अपने बॉलीवुड मूवी में सुपरस्टार अक्षय कुमार कैटरीना कैफ की मूवी में इन्होंने अपेयर्स किया था 2019 में दे दनादन में, और साथ ही साथ ये गुजराती मूवी में भी आपको देखने को मिले हैं, जिनमें इनका पाइवटी रोल रहा है। गुजराती फिल्म स्वाभिमान में आपको देखे गए थे, और अब फाइनली इनको आप बॉस माजी लाडाची में भाग्यश्री लिमाया के अपोजिट एज एन लीड देख सकते हो। ये है कुछ अनटोल्ड स्टोरी, कुछ अननोन फैक्ट्स इन दोनों एक्टर्स के बारे में। आपको इनकी स्टोरी जान के कैसा लगा है, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनके नए सीरियल के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।